मेरे वाजिब अल-एहतराम, अब आपके सामने अलामा सैयद शाहिद अब्बास नकवी साहब, इनके फौरन बाद शायर आले इमरान फ़ख्र शोरा शायर बेबदल जनाब आमिर इफ्तिखार तारड़ साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे बावाज़े बुलंद सलवात। दुआए वली वाला सर साहब जमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म कुल वली कल हुज्जत इब्ने हसन अलैहिस्सलाम सलवातु कालेहि व अला अमाहि फी हाज़िहि सफ कुल सहा वलियन व हाफिज़न व क़ायदन व नासिरा व दलीलन मुआइना हत्ता तुस्कना व रज़क़तुहा व तुमत्तिया या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد आज के जश्न की मुबारकबाद सबसे पहले उन हस्तियों के हजूर के जिनका शजरा शजराए तैयबा है। सबसे पहले आज के जश्न की मुबारकबाद उन हस्तियों के हजूर के जिनका शजरा शजराए तैयबा है। मालिक आप सबको सलामत रखे। आप सबकी तरफ से मुबारकबाद उन हस्तियों के हजूर जो मशीयतुल्लाह हैं, जो इरादतुल्लाह हैं, जो कुदरतुल्लाह हैं, जो आयतुल्लाह हैं, मालिक इज़्ज़तुल्लाह हैं, गैरतुल्लाह हैं। उन हस्तियों के हजूर मैं सबको साथ मिलाने लगा हूँ, उन हस्तियों के हजूर मुबारकबाद पेश करने लगा हूँ कि जिनकी औलाद पे आज भी सदका हराम है। बात रहें सलामत रहें। जिनकी औलाद पे आज भी सदका हराम है और मेरे वाजिब अल-एहतराम अल्लाह सबको सलामत रखे। मुबारकबाद उन हस्तियों के हजूर जो आले मोहम्मद होकर फिर मोहम्मद होते हैं। आप सबको दिल किया था गहराइयों से आमदे अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो। अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की इज्जत का सदका बानियान जश्न के रिज़्क़ के इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए। इनके मरहूमीन के दर्जात यकीनन बुलंद हैं। मालिक जिक्र का सदका बुलंद फरमाए। और यकीनन आज मुबारकबाद दी है, मैंने एक लफ्ज़ लम्हा ज़ाया नहीं किया। आप जितने बैठे हैं मुबारकबाद मैंने सबको दी है उन हस्तियों को। तो जब मुबारक देते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन याद रखें आज हम मुबारकबाद दे के लेना क्या चाहते हैं, किससे? आज दस्तरखान इमरान से खैरात मिलेगी। आबाद रहें। सरकारी अबू तालिब के दस्तरखान से खैरात मिलेगी। अल्लाह शाह साहब की ज़िंदगी दराज फरमाए, बुज़ुर्गों का साया हमेशा सलामत रखे। आप सबको मालिक सलामत रखे, वतन को सलामत रखे। आओ जश्न की मुबारकबाद दी है तो खैरात की सस्ती से लेंगे, सरकारी इमरान से, सरकारी अबू तालिब से। कौन अबू तालिब? जिसके दामन में पना लेकर इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी। आबाद रहे सलामत रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इससे ज़्यादा जल्दी तो हो नहीं सकती। कौन अबू तालिब जिसके दस्तरखान से सारे खैरात लेने आए हैं? और खैरात लेने वाले सिर्फ हम और आप नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं दस्तरखान इमरान से। तो आओ उस इमरान से आज आगाज़ जश्न है। मालिक सबको सलामत रखे। सरकार इमरान के दस्तरखान से खैरात लेनी है। कौन अबू तालिब जिसके दामन में पना लेकर
इस्लाम की यतीमी ने जवानी सीखी, उसे अबू तालब कहते हैं। कौन अबू तालब? जिसके पास काफर मुशरक, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखे, उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालब कहते हैं। बस एक फुकरा और। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिसके पास काफर मुशरक अमानतें रखें। सरकार ने जब हिजरत फरमाई है ना, तो काफरों की अमानतें किसके हवाले की? अमीरुल मोमिनीन के हवाले। तो फिर मुझे आगाज़ जश्न में ये जुमला कहने की इजाज़त दें, जो नबी काफरों की अमानतों को एक रात के लिए जो लावारस छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की अमानत इस्लाम को लावारस छोड़ के कैसे गए? जिसके पास काफर अमानतें रखें उसे ज़ात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके पास अल्लाह मुस्तफ़ा जैसी अमानत रखे उसे अबू तालब कहते हैं। ख़त्म करने लगा हूँ, सलाम करने लगा हूँ। कायनात जिसके अख्तराम में उठे। नहीं 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 नहीं, सारे बोलना समझ में आए तो। जश्न है, जश्न का ताल्लुक मनाने से है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सदका अमीरुल मोमिनीन का। कायनात सरकार जिसके अख्तराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं। कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को ज़ाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसकी आने पे रसालत तमाम उठ के इस्तकबाल करें उसे सैयदा बतूल कहते हैं। जब भी सैयदा तशरीफ़ लाती सरकार रिसालत माब वच्छे तखलीक कायनात, खुदा के महबूब, कायनात के चराग, रिश्त हदायत के मंबा, इल्म अरफान के चश्मा, कौस्तो तस्नीम के मालक, वच्छे तखलीक कायनात, कायनात के रमी रहमतुल आलमीन, सैयदा को देख के पहले खड़े होते, फिर चल के इस्तकबाल करते, फिर अपनी जगह पर बिठाते, फिर सर के हाथों के बोसे लेते। उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया, या नबी अल्लाह, जब भी सैयदा आती है आप खड़े होते हैं, फिर चल के इस्तकबाल करते हैं, फिर अपनी जगह पे बिठाते हैं, फिर हाथ के बोसे लेते हैं। कायनात के नबी ने फरमाया, याद रखना मैं वजूदे किताब हूं, ये हकीकत किताब है। होए 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 होए। बस मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को जाते सरकार मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन कहते हैं, और जिसकी आने पे खातमुन नबीजीन उठे। ओए होए होए होए। हाथ बुलंद करना, हाथ दाद के लिए नहीं सही जाकर पड़ा करते हैं, खैरात के लिए उठता है। कोई खैरात से महरूम ना रहे, खैरात सरकार अबू तालब से लेनी है। कायनात जिसके अख्तराम में उठे उस जात को जाते मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसकी आने पर रिसालत तमाम उठ के इस्तकबाल करें उस हस्ती को सैयदा बतूल कहते हैं, और जिसकी आने पे सैयदा उठ के दरवाजे पे जाके इस्तकबाल करे उसे अली कहते हैं, और जिसकी आने पे अली को भी उठना पड़े उसे अबू तालब कहते हैं। जिस आखिरी जुमला और आखिरी खत्म करने लगा हूं, जिस अली की आमद की खुशी कर रहे हैं, वो अली जो आए तो काबा में, शहीद हो तो मस्जिद में। आगाज भी खाना खुदा से, और फरमाए मेरा मुहिब होगा जिसका ताल्लुक खाना खुदा से हो। वो अली जो आए तो काबा में, और अली का नाम लेना इबादत है। हाँ, अली का जिक्र करना इबादत है। आओ फिर अली अली कर ले, सलाम करता हूँ, अली अली करना इबादत है। हाथ बुलंद करके ज़रा अपने अकीदे बयान करें, अली अली करना इबादत है। हाँ,
तो फिर अली अली करें, अली अली करना इबादत है। आओ जिस आज हस्ती का यौम विलादत मना रहे हैं, याद रखो हमें एजाज है हम अपने रहबरों का यौम विलादत मनाए तो बड़े फख्र के साथ, यौम शहादत मनाए तो एहतराम के साथ। दुनिया चाहे भी तो अपने रहबरों का यौम वफात मना सकती है, यौम विलादत नहीं मना सकती। हाँ अली अली करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। अमीर अल मोमिनीन यासुबुद्दीन, हादी खलीफा अल मुस्लिमीन, हलाल मुश्किलात, नफ्स रसूल, शौहर बतूल, आयन अल्लाह, निशान अल्लाह, फजुल्लाह, शदुल्लाह, अस्तुल्लाह, उज़रुल्लाह, शेर खुदा, साहिब सुल्फकार, अबू तुराब, खतीब मिंबर सालूनी। अली अली करना इबादत है। आपने कहना अली अली उठते वक्त, अली अली उठते वक्त, यार बोलो रोजा रखे आज उठते वक्त, नहीं गूंज आए उठते वक्त, नहीं ये बोल रहे सारे बोले उठते वक्त, हाथ बुलंद करें उठते वक्त, बैठते वक्त, फिरते वक्त, शाही में, गदाई में, राज में, राहत में, अपनों में, बिगानों में, मौत में, जीस्त में, फना में, बका में, घर में, सफर में, कबर में, हशर में, जंग के मैदान में, दीन के रकान में, कलीमे में, अजान में, अकामत में, अली अली करके दुनिया को हदीस रसूल का तर्जमा याद दिलाते हैं। कायनात के नबी ने कहा था या अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज्यादा होगा। हैदरी या अली या।